हाय एवरीवन, आई एम सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड झलक। बॉलीवुड झलक सबसे अलग। दोस्तों, रेखा को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं, उनकी एक्टिंग के कायल। पहली फिल्म जो थी रेखा की, वो रिलीज फिल्म थी सावन भादो। लोग यही जानते हैं कि रेखा की पहली फिल्म जो है वो सावन भादो रिलीज है वो। लेकिन रेखा ने बॉलीवुड में जो एंट्री करी थी वो सावन भादो से नहीं करी थी, वो एक फिल्म थी अनजाना सफ़र। वो फिल्म अनजाना सफ़र रेखा की पहली फिल्म थी और इस फिल्म में हीरो थे विश्वजीत और खलनायक थे विनोद खन्ना और अमजद खान। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अमजद खान तो 75 में आए शोले के बाद, फिर 69 में कैसे आए, ये कहानी अलग है, वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ रेखा के बारे में बात करते हैं। तो 68-69 में रेखा जो है बॉम्बे आई, मुंबई पहली बार आई और ये जो फिल्म थी अनजाना सफ़र की शूटिंग करने के लिए। और पहली ही फिल्म में, हालांकि ये रिलीज बहुत बाद में हुई, लेकिन पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान ही, जब ये फिल्म कम्प्लीट भी नहीं हुई थी, रेखा बॉलीवुड में छा गई। हुआ कुछ यूँ कि इस फिल्म रेखा का एक विश्वजीत जी के साथ किसिंग सीन था, स्मूच। उस समय रेखा की उम्र लगभग 15-16 साल की थी। जब डायरेक्टर कुलजीत पाल साहब ने कहा कि किसिंग सीन छोटा सा ही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो पहले तो रेखा घबराई क्योंकि बहुत छोटी थी उम्र में, लेकिन जब समझाया गया तो रेखा मान गई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे कुलजीत पाल जी, उन्होंने बताया कि छोटा सा एक किसिंग सीन है बस और कुछ नहीं। तो रेखा मेंटली प्रिपेयर्ड हुई और विश्वजीत के साथ वो किसिंग सीन करने को रेडी हो। जब इस सीन की शूटिंग हो रही थी, तब जैसे डायरेक्टर ने एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को किस करना शुरू किया और ये किस बहुत लंबा हो। डायरेक्टर कुलजीत पाल कट बोलना भूल गए या नहीं बोलना चाहते थे या जो भी था, काफ़ी देर तक कुलजीत पाल जी ने कट नहीं बोला और रेखा टेंशन में आ गई। कैमरा ऑन था, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। और काफ़ी लंबा जब शॉट हो गया, तब कुलजीत पाल ने कट कट कहा, लेकिन इस बार विश्वजीत ने नहीं सुना और डायरेक्टर कुलजीत पाल कट 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 बोलते रहे और विश्वजीत अपना लगे रहे। काफ़ी देर तक ये सब कुछ हुआ, तो इस सारे हादसे से रेखा घबरा गई और कहा जाता है कि वहीं सेट पर बेहोश हो गई। ये शायद पहला किस्सा था जब किसिंग सीन करने के बाद कोई एक्ट्रेस बेहोश हुई, इसलिए ये बात बॉलीवुड में रातों रात फैल गई और रातों रात रेखा पॉपुलर हो गई बॉलीवुड में। सभी को पता चल गया कि साउथ की एक और हीरोइन रेखा बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी है। और देखते ही देखते रेखा को कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने साइन कर लिया। ये जो फिल्म है अनजाना सफ़र, इसमें बहुत लंबा किसिंग सीन था, इसलिए जब सेंसर में गई तो सेंसर ने इस किसिंग सीन पर आपत्ति जताई और इसे बैन करने का कहा। तब प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुलजीत पाल जी ने कहा कि नहीं, मैं रीएडिट करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ सीन को। और उसके बाद कुलजीत पाल ने इस सीन को और छोटा किया, रीएडिट किया, लेकिन सेंसर ने फिर इस फिल्म को रिफ्यूज़ कर दिया। ऐसा कई साल तक चला। कुलजीत पाल वो जो सीन था उसको थोड़ा छट करते लेकिन पूरा निकालने को तैयार नहीं थे, जबकि सेंसर कह रही थी कि इस पूरे सीन को ही निकाल दिया जाए। लेकिन कुलजीत पाल जी इस चीज़ को रेडी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही जो एक शॉट है किसिंग शॉट, शायद इसी से फिल्म चल जाए। तो इस तरह काफ़ी साल तक कुलजीत पाल और सेंसर के बीच में पंगा चलता रहा। लेकिन हार हुई कुलजीत पाल जी, वो सीन उन्हें कम करना पड़ा। 77-78 में ये फिल्म सेंसर हुई और रिलीज़ हुई, और उस वक्त इस फिल्म का नाम था दो शिकारी, यानी कि अनजाना सफ़र से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने इसका नाम बदल दिया था दो शिकारी, क्योंकि फिल्म बहुत पुरानी हो गई थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि इस फिल्म को लोग पुरानी कहें, इसलिए उन्होंने नाम बदला खान वगैरह और फिल्म रिलीज कर दी। तो दोस्तों, ये बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा था रेखा जी के बारे में। और भी हमारे पास किस्से हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन किस्से कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये चैनल आपका अपना भी है। और हमारे अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।